झारखंड के गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बारात से लौट रहा वाहन पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा मुफस्सिल थाना इलाके के बागमारा के पास शनिवार की अहले सुबह घटी है। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान मौके पर पहुंचे और घायल 2 बच्चे समेत 5 लोगों को सदर अस्पताल भिजवाया। वहीं सभी 5 मृतक के शव को भी अस्पताल लाया गया है। हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि वाहन काफी तेज रफ्तार में था, इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। इसी बीच लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। हादसे की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवा दिया। वहीं उन्होंने 5 शवों को भी अस्पताल भिजवा दिया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाना है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद फारूक अंसारी के बेटे चांद रसीद की शादी मुफस्सिल थाना इलाके के टीकोडी के रहने वाले पप्पू अंसारी की बेटी मुस्कान परवीन से तय हुई थी। तय समय के अनुसार 17 नवंबर की रात को निकाह हुआ। ऐसे में थोरिया से बारात टीकोडी पहुंची थी। निकाह के बाद करीब 10 लोग एक वाहन पर सवार होकर थोरिया के लिए निकले। वे जैसे ही मुफस्सिल थाना इलाके बागमारा के पास पहुंचे तो चालक का संतुलन बिगड़ गया और तेज रफ्तार वाहन सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराया। इस घटना में 5 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए।